हेलो दोस्तों, दोस्तों चंद्रयान तीन के बाद आपने सूर्ययान आदित्य L1 के बारे में जरूर सुना होगा। चंद्रयान तीन की सफल लैंडिंग के बाद अब इसरो ने 2 सितंबर को सूरज की तरफ यान भेज चुका है, जिसका नाम है आदित्य L1, जिसे लोग प्यार से सूर्ययान भी बुला रहे हैं। आदित्य L1 भारत का पहला मिशन है जो सूरज को स्टडी करेगा। दोस्तों, आप लोगों को लग रहा होगा कि जैसे चंद्रयान 3 चांद पर लैंड किया था, वैसे ही सूर्यान आदित्य L1 भी सूरज पर लैंड करेगा, या फिर आप सोच रहे होंगे कि सूर्यान बिना लैंड किए मिशन ऑपरेट कैसे करेगा। चलिए इसरो के आदित्य L1 मिशन के बारे में विस्तार से जानते हैं। दोस्तों, ये वीडियो बहुत ही इम्पोर्टेंट एंड इन्फॉर्मेटिव होने वाली है, तो बिना स्किप किए इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। जैसा चंद्रयान 3 चांद पर लैंड किया था, वैसे सूर्ययान सूरज पर लैंड नहीं करेगा, उसे दूर से ही स्टडी करेगा। हालांकि ये सूर्य की तुलना में पृथ्वी से ज्यादा नजदीक रहेगा। आपको बता दें कि सूर्ययान पृथ्वी से 15 लाख किमी दूर जाकर लग्रेंज पॉइंट में जाकर एक हैलो ऑर्बिट में घूमेगा। उस बिंदु तक पहुंचने में लगभग 4 महीने का समय लगेगा और वहां पहुंचने के बाद 5 साल तक वहीं रहेगा और सूरज को स्टडी करेगा। दोस्तों, आप सोच रहे होंगे ये लग्रेंज पॉइंट क्या है। दोस्तों, लग्रेंज पॉइंट अंतरिक्ष में स्थित वे पॉइंट है जहाँ सूर्य और पृथ्वी जैसी दो सेलेस्टियल बॉडी के गुरुत्वाकर्षण बल आकर्षण और प्रतिकर्षण को पॉइंट आउट करता है। इनका उपयोग अंतरिक्षयान द्वारा स्थिति में बने रहने के लिए आवश्यक ईंधन की खपत को कम करने के लिए किया जा सकता है। दोस्तों, अगर हम सूरज और धरती की बात करें तो यहाँ 5 लग्रेंज पॉइंट मिलते हैं। ये 5 वह पॉइंट है जहाँ पर अगर स्पेस क्राफ्ट को भेजा जाता है तो स्पेस क्राफ्ट का केंद्रापसारक बल यानी कि सेंट्रीफ्यूगल फोर्स सूरज और धरती के गुरुत्वाकर्षण बल से कैंसल आउट कर जाएगा। इसका मतलब है स्पेस क्राफ्ट को सूर्य और धरती कोई भी अपना ग्रेविटेशनल फोर्स से अपनी ओर नहीं खींच पाएगा और इससे स्पेस क्राफ्ट को अंतरिक्ष में रहने की स्टेबिलिटी मिलेगी। जो भी स्पेस क्राफ्ट हम अंतरिक्ष में भेजेंगे, अगर हम स्पेस क्राफ्ट को लग्रेंज पॉइंट पर ले जाते हैं तो स्पेस क्राफ्ट को लग्रेंज पॉइंट पर स्टेबल रखने के लिए हमें कोई भी अफोर्ट नहीं करना पड़ेगा। इससे ये भी फायदा होगा कि स्पेसक्राफ्ट का फ्यूल बचेगा और ज्यादा टाइम तक मिशन ऑपरेट कर पाएगा। दोस्तों, एक फायदा ये भी होगा कि अगर हम स्पेसक्राफ्ट को लग्रेंज पॉइंट 1 यानी कि L1 पर रखते हैं तो स्पेसक्राफ्ट का शैडो सूरज की रोशनी को धरती पर पहुंचने से नहीं रोक सकती, इसलिए इस मिशन का नाम आदित्य L1 रखा गया है। दोस्तों, अब बारी आती है ये जानने की कि आदित्य L1 सूरज में क्या स्टडी करेगा। ये जानने से पहले हमें सूरज के बारे में जानना बहुत जरूरी है। दोस्तों, सूरज सौरमंडल के केंद्र में स्थित एक तारा है जिसके चारों तरफ पृथ्वी और सौरमंडल के अन्य अवयव घूमते हैं। सूर्य हमारे सौरमंडल का सबसे बड़ा पिंड है और उसका व्यास लगभग 13,90,000 किलोमीटर है, जो पृथ्वी से लगभग 109 गुना अधिक है। ऊर्जा का यह शक्तिशाली भंडार मुख्य रूप से हाइड्रोजन और हीलियम गैसों का एक विशाल गोला है। परमाणु विलय की प्रक्रिया द्वारा सूर्य अपने केंद्र में ऊर्जा पैदा करता है। सूर्य से निकली ऊर्जा का छोटा सा भाग ही पृथ्वी पर पहुंचता है, जिसमें से 15% अंतरिक्ष में परावर्तित हो जाता है, 30% पानी को भाप बनाने में काम आता है और बहुत सी ऊर्जा पेड़ पौधे समुद्र सोख लेते हैं। इसकी मजबूत गुरुत्वाकर्षण शक्ति विभिन्न कक्षाओं में घूमते हुए पृथ्वी और अन्य ग्रहों को इसकी तरफ खींच कर रखती है। दोस्तों, जिस तरह पृथ्वी में अलग अलग परत होती है, क्रस्ट, मैंटल, लाइथोस्फीयर, एस्थिनोस्फीयर, आउटर कोर, इनर कोर एंड मेसोस्फीयर, इसी तरह सूरज में भी अलग अलग परत होती है। आदित्य L1 का मिशन है सूरज के ऊपरी भाग यानी कि ऊपर के 3 परत फोटोस्फीयर, क्रोमोस्फीयर और कोरोना के बारे में अध्ययन करना और जानकारी निकलना। दोस्तों, हम सभी जानते हैं कि सूरज से गर्मी और रोशनी निकलती है, लेकिन इसके साथ साथ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, अल्ट्रावायलेट रेडिएशन, इंफ्रारेड रेडिएशन, यूवी रेज, गामा रेज, एक्स रेज और इसके अलावा सोलर विंड भी निकलती है। दोस्तों, सोलर विंड एक इलेक्ट्रॉन और प्रोट्रॉन का बहुत बड़ा विंड होता है। ये विंड जब हमारे पृथ्वी के मैग्नेटिक फील्ड से इंटरैक्ट करती है तो नॉर्दर्न लाइट्स का निर्माण होता है। ये लाइट्स को आप आइसलैंड, स्वीडन जैसे देशों में देख सकते हैं, जो बहुत खूबसूरत दिखाई देता है। इन्हीं सब चीजों के बारे में जानने के लिए आदित्य L1 मिशन को स्पेस में भेजा गया है। उम्मीद है दोस्तों, अब आप आदित्य L1 मिशन के बारे में अच्छे से जान गए होंगे। दोस्तों, आज के लिए इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक और इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। धन्यवाद।